वी आर एट द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। बस यहाँ से 17 किलोमीटर श्रीलंका पड़ता है। फ्रेंड्स, अब हम धनुषकोटी के लिए निकल गए हैं। फर्स्ट डे जब मैं आया रामेश्वरम आया था तो धनुषकोटी क्लोज था, और अब हम सीधा धनुषकोटी के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, धनुषकोटी चलते हैं और आपको ले चलते हैं द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, रामेश्वरम से धनुषकोटी का जो डिस्टेंस है वो करीब 22-24 किलोमीटर है, और ट्रैवलिंग टाइम करीब करीब आधे घंटे का बता रहा है। और इस तरह के लैंडस्केप मिल रहे हैं हमको धनुषकोटी जाते में। बीच में एक रोड है और काफ़ी अच्छी रोड है, और आजू बाजू आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी। बहुत ही प्यारी रोड है। कभी मैं चाहूँगा यहाँ पर अपनी बाइक लेके ज़रूर आऊँ और यहाँ पर इस रोड पर राइड करूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हम जैसे जैसे धनुषकोटी के पास जाते जा रहे हैं हमको सी दिखाई देने लगा है। अब रोड के दोनों तरफ सी आ गया है और बहुत ही सुंदर यहाँ से व्यू आ रहा है। और धनुषकोटी जो है वो लास्ट लैंड ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि धनुषकोटी के आगे 15 किलोमीटर ही श्रीलंका रह जाता है। तो आप इन नज़ारों के लुत्फ उठाते रहिए। Crickets see the moon side by side and through no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight, found what we're looking for in. और फ्रेंड्स, अब हम धनुषकोटी जो विलेज था उधर हम पहुंच चुके हैं। आपको पता होगा कि 1964 में रामेश्वरम में एक फ्लड आया था काफ़ी तेज़, तो उस फ्लड में ये धनुषकोटी जो विलेज था वो पूरा तबाह हो गया था। और यहाँ तक ट्रेन आती थी रामेश्वरम तक, जैसे अब आती हैं, मगर यहाँ तक ट्रेन आया करती थी। बट यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन था वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था उस फ्लड में। आप साइड में जो ये झुग्गी झोपड़ियाँ देख रहे हैं, ये पहले पूरा विलेज हुआ करता था। वाओ फ्रेंड्स, लुक एट द ब्यूटी, कितना सुंदर दृश्य है यार। मैं आपको मतलब बयां नहीं कर सकता हूँ, कसम से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी सुंदर जगह पे मैं कभी जा पाऊँगा। और फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ अब डिजिटली इस लास्ट लैंड ऑफ इंडिया को विटनेस कर लीजिए। कितनी प्यारी जगह है। और देखिए, रामेश्वरम से इस तरह की छोटी छोटी बसेस भी आती हैं। फ्रेंड्स, तो वी आर एट द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया और हम धनुषकोटी पहुँच गए हैं। और जो यहाँ पर नज़ारे हैं वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स में। अगर आप लोग रामेश्वरम का प्लान या कन्याकुमारी का प्लान बना रहे हैं तो अपनी लिस्ट में धनुषकोटी को ज़रूर रखिएगा, बिकॉज लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये जो आपको करना चाहिए। और यहाँ से केवल 17 किलोमीटर श्रीलंका पड़ता है। और नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ। पानी कितने जल्दी जल्दी चेंज होके पास आता जा रहा है। कलर जो डिफरेंट है वो देखिए, वो पूरा ग्रीन है, ये पूरा ब्लू हो चुका है। Look at the waves, friends. ऐसा लग रहा है इस म्यूजिक पे ये वेव्स नाच रही हैं।
सीरियसली देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, ये इतनी अच्छी वेव्स आ रही हैं, तेज़ वेव्स है, करंट पानी का काफ़ी तेज़ है। और यहाँ देखिए नज़ारे, जहाँ तक नज़र जाएंगी वहाँ तक आपको ये सी दिखाई देगा। और देखिए इन पत्थरों पर जब ये लहरें टकराती हैं तब कितनी सुंदर दिखती हैं। और इन लहरों को देखिए, देखिए इतना सूदिंग इफेक्ट दे रहे हैं, कुछ पूछ ही नहीं। मन ही नहीं कर रहा इस जगह को छोड़ कर जाने का। और ये देखिए वेव्स, कितनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं। और जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी आपको सी सी दिखाई देगा। और देखिए फ्रेंड्स किस तरह से लोग यहाँ के नज़ारों के मज़े ले रहे हैं। और दूर से कुछ इस तरह का व्यू है धनुषकोडी का, और बहुत ही सुंदर कलर है सी का, दो तीन कलर मिल रहे हैं साथ में। और देखिए किस तरह से तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारे देश का नेशनल एम्बलम, यहाँ हमारे इंडिया की लैंड ख़त्म होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। यहाँ से आगे श्रीलंका है। Lisa distancia, ya no aguanto tu fragancia. Tú no eres consentida, que la tienes merecida. Somos felices a distancia. बस यहाँ से 17 किलोमीटर श्रीलंका पड़ता है। और आपको एक और बात बताऊं, श्रीलंका में राम सेतु ब्रिज को एडम्स ब्रिज कहा जाता है। राम सेतु ब्रिज एडम्स ब्रिज कैसे हो गया? और आप भी यहाँ आकर इन फ्रेश पाइनएप्पल और वाटरमेलन का मजा ले सकते हैं, इन सुंदर सुंदर नजारों और इन तेज हवाओं के साथ। और फ्रेंड्स इन सुंदर नज़ारों के साथ आपसे अब अलविदा चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये कश्मीर टू कन्याकुमारी की सीरीज पसंद आ रही है, तो फ्रेंड्स यार लाइक तो कर दिया करो, कमेंट तो कर दिया करो। कैसे पता चलेगा मुझे कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? और हाँ फ्रेंड्स एक और चीज़ कहनी थी, मेरी फैमिली अब 1K होने वाली है, तो प्लीज़ जल्दी से आप लोग सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करा के अपनी फैमिली को 1K क्रॉस करवाइए जल्द से जल्द। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। Distancia, ya no aguanto tu fragancia. Tú no eres consentida, te la tenes merecida. Somos felices a distancia. Somos felices a distancia. Ya no aguanto tu fragancia. Tú no eres consentida.